这里牙齿，这里啊，不打地干不？你这个是不是这个？还有。麦子。牙齿。
Okay, now I'll request our music director, Mr. Sherwin Dusanti, to say a few words. Sir. Hello, everybody. सबसे पहले थैंक्स राजी जी जी जिन्होंने मुझे इसके लिए म्यूज़िक के लिए मौका दिया. हाँ, सबसे पहले मैं ये बताना बहुत ज़रूरी समझूँगा कि इस फिल्म का सबसे पहले साइन होने वाला बंदा मैं हूँ. फर्स्ट डे उन्होंने मुझे बुलाया और वेरी फर्स्ट डे मैं जैसे उनसे मिले गया था और कुछ मैंने नहीं कहा कुछ मेरे को मुझे सुनाने के लिए बोला मैंने सुनाया. और ब्रेजी ने जैसे बोला बिल्कुल राज जी के बिल्कुल सही बोला. मैं भी शॉक था फर्स्ट डे में खाली कुछ सुनाया और उन्होंने इसलिए चेक निकाल के मेरे हाथ में रखा. ये किसी को भी साइन कर सकते थे लेकिन इन्होंने मेरे को ट्रस्ट दिया जिसके लिए थैंक यू सो मच. गाने कोशिश की है अच्छे बन सके जितना मैं कर सकता था और सब राजी ने ही डिसाइड किए हैं. आप लोगों को पसंद आएंगे पूरे ऐसे उम्मीद करता हूँ और सारी टीम को विश ऑल द बेस्ट. थैंक यू. जय हिंद. Yes, thank you so much, sir. Now, anyone, media, any questions? This is the time to ask them. Okay, we'll request Mr. Shobhi Rahman to please say a few words. सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना वक्त निकाल के हमारे इस खास मौके पे आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. कहते हैं पहली चीज़ हमेशा बहुत खास होती है, तो ये पहली फिल्म है एज एन एक्टर मेरे लिए, एज ए प्रोड्यूसर इनके लिए, एज ए डायरेक्टर इनके लिए. तो बहुत सी यादें जुड़ी हैं इस फिल्म से जब हम लोग शूट करके आए थे और जब इसको की थी. फाइनली आज उसका रिजल्ट देखने को मिला है, आप सबको देखने को मिला है. तो बस आप सबसे यही गुजारिश है कि अपना प्यार बनाए रखें और हमारी फिल्म को सपोर्ट करें, हमें अपना प्यार दें. और 11 जनवरी को फिल्म रिलीज़ हो रही है 2019, तो प्लीज़ इसको जाके देखें, अपना प्यार दें. I said about the producer, I forgot to say about my cast. This is the best cast. Vicky is not there. Par Shagir ki taya tha. Vikas ki is not there. Elina is there. But this is the best cast I got. Best. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Haan, mujhe barabar bolo achhi tarah bolo. So much love I've never seen in a film. My God, everyone likes each other. Yes. So, any questions, media now? Can we give the mic to him, please? पाटिल जी, वेल वो आपकी वाचिंग दिस दिस एवी दिस ट्रेलर वी जस्ट गॉट टू सी दैट देयर इज अ हाई डोज ऑफ पैट्रियोटिज्म दैट इज एब्सोल्युटली गुड. व्हेन इट कम्स टू द टाइटल ऑफ द मूवी बटालियन 609 हाउ डज इट रिलेट टू द स्टोरी. ओके, दिस इज अ स्टोरी गोज 609. आई वर थिंकिंग ऑफ अ टाइटल, सब टाइटल सोच रहे थे, ये वो सरहद लाइक यू नो वायर्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स. एंड सडनली लालवानी जी और मेरे दिमाग में एक बात आई, व्हेन अ ग्रुप एंड अ ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल अराउंड व्हेन द आर्मी वॉक्स इट्स कॉल्ड बटालियन. तो ही सेड व्हाई डोंट वी कीप द नेम बटालियन एंड मैच इट विद 609. द होल ट्रूप इज बटालियन 609. ये टाइटल वहां से निकला सर, जैसलमेर बॉर्डर से. एक और मूवी आ रही है उरी करके, जो भी वो भी एक सर्जिकल स्ट्राइक पे है, तो उस मूवी की स्टोरी में, इस मूवी की स्टोरी में काफ़ी कंपैरिजन होगा, ऑडियंस कंपैरिजन करेगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उरी एक रियलिटी फिल्म है, इट्स अ गुड फिल्म. हमारी फ्रिक्शन फिल्म है, इट्स अ सुपर डुपर गुड फिल्म. आई टेल यू व्हाई, बिकॉज बोथ द स्टोरीज आर टू डिफरेंट स्टोरीज एंड आई हैव समथिंग अ बंच ऑफ पैक व्हिच विल सरप्राइज द ऑडियंस. This is a surprising film for you. जब से फिल्में बन रही है ऐसी वॉर फिल्म आज तक नहीं बन रही है. It's very surprising. You'll be surprised when you see the film. It has a pack of surprise. You have to see the film, please. Trailer launch, trailer film launch, 11 January. मेरे डिस्ट्रीब्यूटर साहब है, वो सही जवाब देंगे, मैं नहीं दे सकता. कितने प्रिंट लगा रहे हैं?
जी कुमार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है बटालियन 609 की टीम में। इसके हम लोग अभी जो नॉर्थ में हमारा टारगेट है वो 450 क्रेडिट का टारगेट है जी। और जैसा कि हमारे प्रोड्यूसर हैं नरेंद्र लालवानी जी, वो दुबई से है, यूएई से है, तो वहाँ पर भी हम रिलीज कर रहे हैं कुछ प्रिंटों से, कुछ 50 प्रिंट से वहाँ पर भी हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। बाकी भी और टेरिटरी में बात चल रही है, तो जो माध्यम होते हैं पब्लिसिटी के, विज्ञापन के, वो सारे इन्होंने हमें सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, कि फिल्म को रिलीज करने में जो माध्यम होता है वो होता है विज्ञापन और पब्लिसिटी का, वो इन्होंने फुल सपोर्ट दिया हुआ है, चाहे वो टेलीविज़न का हो, प्रिंट का हो, होर्डिंग का हो, वो सारे माध्यम से इन्होंने इस फिल्म को सपोर्ट किया है। और 11 जनवरी एक अच्छी डेट है क्योंकि उस डेट को हमारी रिलीज हो रही है और लड़ाई भी बहुत है, उरी है, हम भी हैं, बट उरी का अपना एक टारगेट है, हमारा अपना टारगेट है, तो दोनों के अपने अपने टारगेट के हिसाब से हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। हम ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं है, ओवर फ्लो नहीं जाएंगे, हमारी एक्सपेक्टेशन में हम अपना टारगेट पूरे करेंगे। थैंक यू, मुबारक हो आपको, बहुत अच्छा। That is minimum theater उसने बोला है, बहुत कम बोला है, बहुत ज़्यादा दे रहा है, उसका भी दिल बहुत बड़ा है शक्ल का। हाय हाय। Thank you very much sir, thank you very much. पहले मैं जवाब देता हूँ क्या क्या दिक्कतें हैं एज ए डायरेक्टर एज ए राइटर। सबसे पहले ठीक है सर, पहले तो प्रोड्यूसर के मिलते सर, वो सबसे बड़ी दिक्कत होती। सबसे पहले मैं अपने देश को बहुत प्यार करता हूँ और मैं लाउ 35 से दुबई में हूँ, मैं अपने देश को बहुत नहीं बहुत प्यार करता हूँ। मुझे मौका नहीं मिल रहा था कुछ ऐसा, बट जब भी मैं डायरेक्टर से मिला और उन्होंने मेरे सामने स्क्रिप्ट रखी तो वन टच मेरे को अच्छी लगी, बट सेकंड टाइम देखी तो 1000% अच्छी लगी। और उसी के लिए मैंने, और जब भी मैंने इनको एक्चुअल ये राइटर थे और इनका टैलेंट देखकर मैंने इनको डायरेक्ट दी। और आप बोलो आगे। Actually, I joined as a writer for the first film. We will make a film which you will come to know right now after some time. मैं राज नहीं करूँगा अभी। हाँ, the whole thing is कि जब writer as a film, I got a writer of the film. I was looking, we are doing scripts. बाद में इन्होंने बोला, इन्होंने दो तीन director ढूंढे, फिर और दो तीन director. We were not satisfied the way they were speaking about how to make cinema. Then he thought, let me give a chance to Brijesh. I was begging him, कि सर दे दो, writer हूँ, director बनना है, writer हूँ, director. इन्होंने कहा बाबा जी अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है वो बाबा जी का फोटो लगा था ऑफिस में, उन्होंने कॉइन वहाँ से निकाली, बोले लेट्स डू अ टॉस, मुझे शोले याद आ गए सर। उन्होंने फिक्का उछाला, बोले हेड जाया तेरा टेल जाया मेरा, द फर्स्ट टाइम इट वाज हेड, सेकंड टाइम इट वाज अ टेल, थर्ड टाइम आई एम स्टैंडिंग हियर, तो व्हाट शुड बी यू विल नो इट। जेपी दत्ता साहब, अगर कोई भी वॉर की फिल्म होती है जेपी दत्ता साहब जो जिस तरह से फिल्म बनाते हैं, यू ऑलवेज सी, कितना आपने उनको स्टडी किया या हाउ मच वर यू इंस्पायर्ड उनकी फिल्मों से? ही इज अ लेजेंड, यू कांट से एनीथिंग, यू कांट डिस्क्राइब अ लेजेंड। जेपी साहब इज अ लेजेंड, ही मेड गुलामी, ही मेड बॉर्डर, व्हाट फिल्म्स ही मेड, ही इज अ लेजेंड, आई हैव नो कंपैरिजन टू, नो कंपैरिजन सर, जेपी साहब इज गुड। सर उनकी लास्ट वाली फिल्म पलटन, नॉट रियली, इंसान से गलती होती है, मेरा कहना है कि जब फिल्म डजंट डू वेल एक्चुअली थोड़ा ये होती है कि हमारी फिल्म भी उसी लाइन पर है। ये थोड़ा मैं डिफर, मेरी फिल्म थोड़ी अलग है। उन्होंने एक सवाल पूछा यूएस की, आई सेड अ क्रिकेट मैच, मेरी फिल्म अलग है सर। नन ऑफ द वॉर फिल्म इज बेस्ड लाइक माय फिल्म, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, नन। आज तक जितनी भी आपने वॉर फिल्म देखी होगी ना, ये फॉर फिल्म नहीं देखी, और इसका आइडिया कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। माय क्वेश्चन इज टू, पहली फिल्म है आपकी वॉर फिल्म जैसे कहते हैं, टफ फिल्म, व्हाट वाज द रीजन टू चूज दिस फिल्म?
being a romantic या फिर उसमें एक लव की कहानी अच्छी तरह से है, क्या कुछ किरदार के बारे में जानना चाहिए? सबसे पहले मैं बोलूँ सर कि जब हम एक्टर्स खासकर जब हमारा कोई गॉडफादर नहीं होता और जब हमारे पीछे किसी सर के ऊपर किसी का हाथ नहीं होता तो हम उस टाइम सिलेक्टेड नहीं हो सकते हैं। और एज एन एक्टर आई थिंक ये एक एक्टर जब तक एक एक्टर कंप्लीट एक्टर नहीं होता जब तक वो वॉर फिल्म नहीं करता। आई एम ब्लेस्ड कि मैं जो पहली मूवी कर रहा हूँ वो वॉर फिल्म है। आई थिंक मेरी ये सब बड़ी बात नहीं हो सकती। और यस, और पहली जैसे मैंने बोला पहली चीज़ हमेशा बहुत ज़्यादा खास होती है और अम्मी पापा भी यहाँ पे हैं सब, तो बस आज कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मुझे याद आई हैं जब मैं 9 साल पहले मुंबई आया था, एक सपना लेके आया था कि यार मुझे कुछ करना है इस टाइम में, मैंने डीवी किया और आज इंशाल्लाह 11 जनवरी को मेरी पहली फिल्म रिलीज होगी। और रही बात फिल्म की कैरेक्टर की, मैंने कैरेक्टर पर मुझे इतना वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी एक्टर को जब आपके पास डायरेक्टर इतना अच्छा हो कि उसने हर चीज़ पढ़ी हो। और आई थिंक कहते हैं कि डायरेक्टर के लिए राइटर के लिए जो उसका फिल्म होता है उसका बेबी होता है, आई थिंक उससे अच्छा मुझे कोई समझा नहीं पाया वो। और हाँ ये ज़रूर है कि जब हम लोग बीकानेर में शूट कर रहे थे तो वो लोग 40-50 डेज हम लोगों ने जैसे ज़िंदगी होती है ना कि ऐसे हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पर रहते हैं तो हम लोगों ने वो थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस की थी। तो यस ओवरऑल बहुत अच्छा था। अब बस रिजल्ट है आप सबका, आप सबके प्यार का कि आप लोग क्या फीडबैक देते हैं। थिएटर दिला दो, मैं 26 को आऊंगा, थिएटर दिला दो, थिएटर नहीं मिल रहा मुझे। थैंक यू सो मच रेस्ट ऑफ द। मैं अपनी सेकंड फिल्म दिसंबर 2019 में एक और पिक्चर रिलीज करने जा रहा हूं और उस पिक्चर का नाम है आयर नायर। I'm on stage, please. सर इधर मत करना। It's a very interesting cake which is there. सर wow, किसने डिसाइड किया था ये केक? अरे उड़ाइए मत सर, उड़ाइए मत इधर। Give me clap please, give me a huge round of applause. Thank you so much. ट्रायल मुझे फर्स्ट टाइम दिखाया था सर, तो मैंने इनसे एक ही बात बोली थी, मैंने कहा कि मैं आपको इज्जत बहुत दिलाएगी क्योंकि पैसे की गारंटी तो जीरो के भी नहीं है। ओके कम ऑन 1 2 वेट वेट वेट, तो उनको एज अ किंग हम लोग ट्रीट करते हैं तो इसलिए ये बटालियन का जो एक केक है। Okay, so that was the cake cutting. Now I request the media to please move and proceed outside for the media buys. One on one media buys outside. बटालियन 609 में मेजर कामराज मिश्रा का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और जो वो बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर है और उसके अंदर ही अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट है कि पाकिस्तानियों से बहुत चिढ़ता है, बहुत नफरत करता है लेकिन उसे प्यार भी होता है तो पाकिस्तानी लड़की से होता है। तो उसकी जो पूरी जर्नी है कि जैसे पहले वो क्या समझता है उसके बाद में क्या चीज़ें होती, तो इसकी पूरी जर्नी है। ओके
कि ये आपकी डेब्यू फिल्म है तो कितने नर्वस फील कर रहे थे कि आपकी पहली, और क्या इसमें खासियत थी जो आपने यही कैरेक्टर चुना एज अ डेब्यू? हाँ, पहली है यस, और बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है, बहुत ज़्यादा ही खास है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पहली चीज़ हमेशा पहली होती है, पहला एक्सपीरियंस हमेशा पहला होता है। और रही बात चूज़ करने की, तो आई थिंक एक एक्टर कभी एक मुकम्मल एक्टर नहीं होता जब तक वो वॉर फिल्म ना करे, और आई एम ब्लेस्ड के मेरी पहली फिल्म वॉर फिल्म है। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, बहुत कमाल है, बहुत यूनिक है, और इट्स अ वॉर फिल्म बट डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर, जो आपको देखने में मज़ा आएगा, हमें करने में उतना ज़्यादा मज़ा आया है। तो और जब अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं और अच्छे अच्छे डायरेक्टर हों तो कौन नहीं करना चाहेगा। इसमें 4 सॉन्ग आए थे और हर एक फ्लेवर उसमें जो है कलेक्ट किया है, जैसे कि अभी आपने गाना सुना है जो बहुत ही देशभक्ति का दमदार सॉन्ग है कि गर्म इतनी बॉडी के तेजाब होते हैं, हम हिंदुस्तानी किसी के आगे नहीं झुकते हैं, थूकते हैं, और जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ फाट डालते हैं। रोमांटिक सॉन्ग है, इमोशनल सॉन्ग है, और एक थोड़ा सा फनी सॉन्ग है जो कि आप जब देखेंगे सुनेंगे तो आपको सुनेंगे। ओके सर, आपने इसमें ये देखा कि क्रिकेट मैच होता है एक ज़मीन के लिए, जो जीतेगा उसकी ज़मीन हो जाती है, अगर ऐसे रियल लाइफ में होगा तो क्या कैसे होगा? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से सोचनी चाहिए, हर चीज़ को रियल लाइफ से हमें नहीं जोड़ना चाहिए। हमारी फिल्म, बॉलीवुड, टीवी सीरियल, कभी कभी हमें सिर्फ उसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पर लेना चाहिए, तो ये बस वही है। ओके, दीपिका जी का आपको मानते हैं डेब्यू कर रही है, उनको आपने कुछ बताया आपके डेब्यू के बारे में, जो मूवी है? उसको पता है कैसे मैंने मूवी की है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी मैं उसे बता नहीं पाया हूँ कि बाहर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी 30 को फिनाले है, इंशाल्लाह 11 को रिलीज है, तब तक वो बाहर आ जाएंगी, और 1 तारीख के बाद जो भी प्रमोशन होगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे मेरे साथ। ओके, फिनाले के बाद दीपिका जी विनर होंगी, क्योंकि देखिए ये चीज़ मैं बोलने वाला नहीं होता हूँ, जब दीपिका बिग बॉस जा रही थी तो मैंने सिर्फ उससे एक चीज़ बोली थी कि जीतना ना जीतना हमारे बस में नहीं है, बस मैं तुम्हें फिनाले में देखना चाहता हूँ, उसके बाद जो हमारी देश की जनता चाहेगी, जो उसके नसीब में होगा, जो ऊपर वाला चाहेगा वो होगा। एक्चुअल क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा बोल जा रहे हैं, इनको पूरा विश्वास ही कि दीपिका ही जीतेगी। चलिए सर के, सर के मुँह में घी, सर के मुँह में घी शक्कर। जैसे मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ कि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, और बहुत छोटी उम्र में मैं दुबई चले गया था, तो हिंदुस्तान में से बहुत छोटी उम्र में दूर हो गया था हिंदुस्तान से, तो अपने देश से मुझे बहुत लगाव था, लगाव नहीं बहुत लगाव था। और फिर मैं एक बार जब बॉम्बे घूमने आया, मैं इसी होटल में रुका था मैरियट में, ये भाई साहब मिले हमें, डायरेक्टर साहब, तो वैसे ही हेलो हाई हुई, तो उन्होंने बताया कि भाई हम, मैं स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ फिल्मों की, यार मेरे को तो बहुत इन चीज़ों का क्रेज़ है। फिर इनसे दोस्ती बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, फिर उन्होंने एक ऑफिस दिलवाई मुझे, वो ऑफिस मैंने हायर की, और वहाँ से फिर इनकी स्क्रिप्ट देखी मैंने, इसके पहले ये नहीं होते थे, तो और भी मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट देखी, बट मुझे स्क्रिप्ट में इतना मज़ा नहीं आया जो इनकी स्क्रिप्ट में मज़ा आया। और वो स्क्रिप्ट थी देश भावना से जुड़ी हुई एक स्क्रिप्ट थी, जो मुझे बहुत पसंद आई और बहुत अच्छी लगी, बाद में उसको स्टार्ट कर दिया। शूटिंग स्टार्ट कर दिया। सेकंड फिल्म आपने जो इनॉग्रेशन किया आज, पर कौन स्टार होने वाले थे? सेकंड फिल्म आपने पोस्टर लॉन्च किया, उसमें हीरो कौन है? एक्टर है, दिस इज माय सिस्टर सन, लुकिंग लाइक एक्टर, उसका पूरा एक्टिंग का कोर्स किया हुआ है, मैं उसको लॉन्च करूँगा नेक्स्ट ईयर, और टाइटल नाम है आई एम लायन। वैसे मैंने उसकी जो पिक्चर दिखाई है वो लायन के जैसे ही दिखाई है, कि बाद में वो उसका फेस दिखे, इट्स वेरी ब्यूटीफुल बॉय। आप क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में, आज आपकी ट्रेलर लॉन्च हुई है, कितना एक्साइटेड है, रिलीज बहुत ही जल्द होने वाली है? दो शब्द बहुत, आई एम टू मच एक्साइटेड, इट्स एक्साइटमेंट।